अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको कई साल पुराना बैलों की मदद से चलने वाला सिस्टम दिखाऊंगा जिससे चारा काटा जाता है। ये शावर है, इस शावर को ये गियर घुमाता है और इसकी मदद से ये टोके वाली मशीन जो है चलती है। ये आपके सामने ये जो राठ लगी है, ये बैल इसको घुमाता है। ये जो वे बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये जगह जो आपको नज़र आई, ये बैल के गले में डाली जाती है और इससे लाग काट दिया जाता है। ये पेन है और ये जो है इसे खोपे कहते हैं, ये इनकी आँखों पर लगाए जाते हैं। ये मशीन है, टोका मशीन। अभी इसके अभी इसे टेस्ट करने के बाद फिर आपको हम चला कर दिखाएंगे कि इसे बैलों की मदद से कैसे चलाया जाता है, किस तरह ये वर्क करता है और किस तरह इसे चारा काटा जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में चारा काट कर फिर जानवर को ये डाला जाता है। ये बैल है जिसे हम चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसे। अभी भाई इसे पानी पिला रहे हैं, उसके बाद ये हमें चला कर दिखाएंगे। चलो चलते हैं दोस्तों, अभी ये देखें, ये इस तरह सिस्टम है, इसे गियर कहते हैं। ये देखें, इसके इसके गले में डालकर फिर इसे आगे इसके साथ लॉक कर दिया जाता है इस पेन के साथ। और इस संगल को इधर इसके साथ बांध कर पीछे वो जो लाठ है उसके साथ बांध दिया जाता है। ताकि ये एक एंटी क्लॉक वाइज घूम सके। एक पॉइंट के गिरता इससे इसके आंखों को बंद कर दिया जाता है, यानी कि इसके आंखों से इसको कुछ नजर ना आए, ताकि ये अपनी डायरेक्शन तब्दील ना करें या रुक ना जाए किसी को देखकर, मतवातर चलता रहे, इसलिए इसको लगाया जाता है। अभी ये तकरीबन सेट हो गया, इसके बाद हम इसको चला कर दिखाएंगे आपको। देखिए, अभी इस बैल को कोई स्टिक नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। देखो, अल्लाह ने जानवर को भी कितनी अकल दी हुई है, एक आवाज़ पर ये चल पड़ेगा। ये देखें, इसके मालिक ने अंदर से आवाज़ दी और ये चल पड़ा। ये देख सकते हैं आप, बस ये गियर है, इस लाठ की मदद से ये गरारी घूमती है और उन गरारे कोई फंक्शन है, उसकी मदद से ये शाफर घूमती है और आगे से वो टोका चलता है। ये है पुराना बसों से चले आने वाला निज़ाम। आप देख सकते हैं, ये शाफर घूम रही है। ये देखें, इधर ये इसका यूनियन लगा हुआ है।
जी देख, ये टोका मशीन है, ये चारे को काट रही है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल का आइकन को प्रेस